हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार अभी काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी थी तो मैं काफ़ी बिजी था तो इस वजह से नहीं बना पाया। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक, ये सबसे बड़ा जो एक बढ़िया नई पेंसिल आई है वो है किंग वन की तरफ से, वो है ये मैग्नेटिक चार्ज वाली पेंसिल। कौन सी वाली है? ये रही। इसमें मैग्नेटिकली स्टिक होकर ही चार्ज होती है, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर। इसके अलावा मेरे पास 6 पेंसिल्स और, टोटल 7 पेंसिल है। मेरे को लोग बोलते हैं यार तू पागल है, इतनी सारी ऑल्टरनेटिव लेके बैठा है, ओरिजिनल एप्पल पेंसिल क्यों नहीं ले लेता? यार देखो, ओरिजिनल एप्पल पेंसिल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो मेजरली लोग इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सारी एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव ट्राई करके आप लोगों को बताऊँ कि आपके लिए कौन सी अच्छी है। इसीलिए मैंने ये सारी पेंसिल्स खरीदी हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बताऊँगा इस वाली एप्पल पेंसिल, और ये जो है ना सारी 6 ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरीज में आती है, बस एक ये वाली जो पेंसिल है उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, वो भी किंग वन है और ये भी किंग वन है, ये दोनों एक्जैक्टली सेम है। इसके अलावा ये चारों पेंसिल मोर और लाइक सिमिलर ही रहती है, तो इनको अभी फॉर द टाइमिंग अलग कर देता हूँ, फिर इनका मेगा कंपेरिजन बाद में करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में जो मेरा मेन कंपेरिजन पॉइंट रहने वाला है किंग वन अपग्रेडेड वर्सेज जो ये किंग वन की मैग्नेटिकली स्टिक करने वाली पेंसिल है, क्योंकि यार ये काफ़ी हाई डिमांड में था और लोगों को बहुत मन था इसमें से किसी एक को चूज़ करने का। ये अराउंड 2000 की आती है, अराउंड 2500 की आती है इन सेल्स, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीदेंगे मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो यार देखो ये पेंसिल को अगर आप अच्छे से देख लीजिए, ये है इसका फिजिकल ओवरव्यू। पीछे यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रही है, यहाँ आगे इसके निब है और यहाँ पे ये इसका फिजिकल ओवरव्यू। ये ब्लैक कलर वाली पेंसिल है ताकि आपको डिफरेंशिएट करना आसान हो। यहाँ आपको 3 लाइट्स मिलेंगी, ये सब आपको बैटरी इंडिकेटर्स देंगे। डबल टैप से ऑन होगी और डबल टैप से ही ऑफ होती है। ये डबल टैप करके ऑन हो गई है और ये डबल टैप करके ऑफ हो गई है, ठीक है। और बैटरी इंडिकेटर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर बैटरी इंडिकेटर आता है ऊपर, जैसे कि आप ग्रीन देख सकते हैं या फिर वो कलर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली बैटरी के हिसाब से। और अब सबसे बड़ी चीज़ यार, जब मैंने इसकी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो बनाई थी ना, तब मुझे लग रहा था कि शायद मेरे लिए मतलब ये 500-700 एक्स्ट्रा देने का वर्थ है या नहीं है, वो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा निब टेक्नोलॉजी दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पे ये निब टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सारी एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव जो बाकी मैंने 6 दिखाई थी सब में यही लगती है, विच इज़ अ गुड निब टेक्नोलॉजी, और ये हमारी काफ़ी सक्सेसफुल है टू बी ऑनेस्ट। और ये वाली निब टेक्नोलॉजी एक नई निब टेक्नोलॉजी है जो कि एक्जैक्टली रेप्लीकेट करती है एप्पल पेंसिल को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एज पर द डिस्क्रिप्शन ये कहते हैं कि एप्पल पेंसिल की पेंसिल और ये पेंसिल ऑलमोस्ट सेम है और इंटरचेंज कर सकते हो, जो कि ये डिस्क्रिप्शन में अपने मैंशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, जो कि एक अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि इसकी काफ़ी सारी ऑल्टरनेटिव आपको भी मार्केट में मिल जाएगी इजीली, नहीं तो आप अपनी एप्पल की ओरिजिनल ऑल्टरनेटिव जो आती है ना वो भी इसमें लगा सकते हैं, जो कि थोड़ी कॉस्टली आती है बट डेफिनेटली मोर स्मूथ होगी और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लिखने में मज़ा आपको ज़्यादा आने वाला है, तो इसी बात पर कर लेते हैं सब्सक्राइब। अब बात करते हैं इन सबके फीचर्स के बारे में। स्क्रिबल दोनों में चलता है बहुत बढ़िया, इसके अलावा टेल सेंसिटिविटी सही चलती है, पाम इंजेक्शन एकदम बढ़िया चलता है, प्रेशर सेंसिटिविटी आपको दोनों में ही किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी, बट मेरे को स्टिल ये पेंसिल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है और उसके बाद भी दोनों पेंसिल्स बहुत अच्छी है। इसके अलावा बैटरी लाइफ दोनों की बहुत बढ़िया आ जाती है, अराउंड सिमिलर बैटरी लाइफ मिल जाती है आपको, बट एक अच्छी बात पता क्या है, ये सारा दिन मेरी मैग्नेटिकली स्टिक रहती है तो मेरे को कभी आज तक बैटरी की टेंशन ही नहीं हुई, विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर पर्सन लाइक मी। मतलब मेरी बाकी ऑलमोस्ट 4-5 पेंसिल डिस्चार्ज ही रहती हैं, बस ये हमेशा चार्ज रही क्योंकि एकदम बढ़िया स्टिक हो जाती है और इसी से चार्ज हो रही है तो मेरी स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, which makes this pencil an amazing मतलब pencil for me for a person like me। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें ना बिल्कुल सिरदर्दी नहीं होती चार्जिंग की और आपको ऑटोमेटिकली हमेशा लिखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टिप्स दोनों की अवेलेबल है, पेंट इश्यूज दोनों में नहीं है, दोनों एक काफी बढ़िया पेंसिल है, अभी तक मेरे को कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, एंटिल एक मेरी केसीयू की पेंसिल थी सिर्फ उसी में आई थी दिक्कत, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ड्यूरेबली मुझे ड्यूरेबल लगती है। और बस इसके अंदर एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, अगर आपके पास आईपैड है जो कि 9th Gen वाला है या फिर पुराना कोई आईपैड है जिसमें आपके एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेट सपोर्ट तो करती है बट ये वाली नहीं करेगी, देखो चलने को चल जाएगी पुराने वाले आईपैड्स के ऊपर, वो कोई दिक्कत नहीं है 9th Gen वगैरह, बट चार्ज ही नहीं होगी तो कैसे चार्ज करोगे, बिल्कुल मत ले लेना उन आईपैड्स के लिए, पर ये वाली पेंसिल सबको सपोर्ट करती है, सबके लिए कंपैटिबल है, तो अगर आपके पास कोई भी पुराना आईपैड है तो आप डेफिनेटली जो पुराना आईपैड 2018 से
बाद का है पुराना, ठीक है। 2018 से पहले वाले में नहीं चलेंगी दोनों में से कोई भी, 2018 के बाद वाले में दोनों चलेगी, बट चार्जिंग ये उसी में सपोर्ट करेगी जिसमें मैग्नेट के लिए चार्जिंग स्ट्रिप है, जैसे प्रो हो गए, नए एयर हो गए, नए मिनी हो गया नया, तो उन सब में ही सपोर्ट करेगी। और जो नया आईपैड 10 जन है ये, उसमें भी ये चार्जिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी ये नहीं होता है। तो यार यही था आज की वीडियो में। गुड नोट्स और नोटेबिलिटी सब पे चलती है, मैं पर्सनली इसको काफ़ी हाईली प्रेफर करता हूँ, क्योंकि चार्ज करने का मत्था खराब नहीं होता और बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है। अगर आप चैनल पर हैं नए तो कर लेना सब्सक्राइब, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।